अलवर में लगातार चल रहे विकास कार्यों के चलते 3 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का शिलान्यास किया गया। बुधवार सुबह 8 बजे शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल ने 1,45,00,000 की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। यह सड़क अशोका सिनेमा से आरआर कॉलेज तक बनाई जाएगी। शहर में सीवर लाइन कार्य होने की वजह से लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी वजह से भाजपा नेताओं को उपचुनाव में भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अब आगामी चुनाव से पहले शहर की सारी सड़कों का काम चल रहा है। आज उद्घाटन समारोह में सभापति अशोक खन्ना, उपसभापति शशि तिवारी, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अनेकों पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ अतिथियों का माल्यार्पण और साफे बांधकर स्वागत किया गया। अलवर शहर के विकास को तेजी से गति देते हुए 3 दिन में 6 करोड़ रुपए की शहर की सड़कों के शिलान्यास के कार्यक्रम किए हैं, जिनमें आज 1,45,00,000 रुपए की सड़क जो अशोका टाकिस से लेकर बस स्टैंड के सामने, कंपनी बाग के सामने, नगली के चौराया, एसपी की साहब की कोठी के सामने से राजरीजी कॉलेज के चौराहे तक 1,45,00,000 रुपए की लागत से, कल एक सड़क का जिसका हमने उद्घाटन अंबेडकर के चौराहे से नगली के चौराहे तक किया था वो 2 करोड़ रुपए की, और परसों 3 सड़क जिनमें 2,55,00,000 रुपए की सड़कें थी, एक सड़क थी हमारी इससे दाऊदपुर फाटक से बड़ाया मेडिकल तक, दूसरी सड़क थी हमारी यानी भी शमशान घाट से मुंगसका तक, और तीसरी सड़क थी अग्रसेन सर्किल से नमन होटल के चौराहे तक। ये 3 सड़कें परसों थी 2,45,00,000 की, कल 2 करोड़ की एक सड़क थी, और आज 2,55,00,000 की परसों थी, 1,45,00,000 की आज है, और 2 करोड़ की कल थी। यानी कुल 6 करोड़ रुपए की 3 दिन में सड़कों का उद्घाटन, हमने 5 सड़कों का जो उद्घाटन किया है, इससे शहर की लगभग सारी सड़कें पूरी होने की स्थिति में आ रही है। इसके बाद हमारे पास रोड का काम विजय ने चालू कर दिया। इसके बाद 5 करोड़ रुपए का काम हमारा रूडिस्को के माध्यम से जो मंजूर होकर आया है उसका काम भी शुरू हो रहा है, और 31 सड़कें हमारी अभी और जो UDH के माध्यम से आ रही है हमको DLB के माध्यम से, उन सड़कों के भी पूरे शहर में कॉलोनीज के अंदर हम उद्घाटन करेंगे। इस शहर को जैसे नया शहर बसाओ, इस शहर की ऐसी शेप देने का काम हमने किया है।